उनके सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाएं थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को भी यहां एक्सीडेंट के एक गंभीर मरीज को इलाज के लिए कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो सका। उनका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब अव्यवस्थाओं का केंद्र बन चुका है। समय पर मरीजों को डॉक्टरों की सेवाएं न मिलना आम बात बनती जा रही है। सोमवार को भी यहां एक्सीडेंट के मरीजों को उपचार के लिए कोई डॉक्टर नहीं मिल सका। घटना सोमवार की सुबह की बताई जा रही है, जब उन रहवासी पुष्पेंद्र महिमा राम पाटीदार उनसे डोंगरगांव जा रहे थे। इस दौरान एक कार से उनकी भिड़ंत हो गई, जिसमें पुष्पेंद्र पाटीदार को गंभीर चोट आई है। घायल को जब उनके सरकारी अस्पताल लाया गया तो वहां उनके इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं मिल सका। बताया जा रहा है कि इंदौर ले जाते समय बीच रास्ते में ही पुष्पेंद्र की मृत्यु हो गई। हमारे संवाददाता द्वारा लगातार उन अस्पताल की इस अव्यवस्था को उठाया जा रहा है। बावजूद इसके स्थितियों में कोई सुधार नहीं आया है और इस लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यदि समय पर पुष्पेंद्र को इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। उनसे दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।